खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। अब से कुछ देर बाद नरेंद्र मोदी एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं और देश भर में उनके बहुत सारे फैंस हैं, उनके बहुत सारे दीवाने हैं। लेकिन हमारे साथ एक और दीवाने आप देख सकते हैं, जो जिन्होंने अपने पूरे शरीर पर नमो नमो लिखा हुआ है और नरेंद्र मोदी के नाम में रंगे हुए हैं। ये शख्स अपने हाथ में, उन्होंने चाय की केतली ली हुई है, कुछ चाय के प्याले हैं और हम उनसे बात करते हैं कि ये क्या आपने बनाया हुआ और कैसे, मतलब आपके दिमाग में आइडिया आया, कहाँ से आ रहे हैं आप? पहले मुजफ्फरपुर से सर, बिहार से आ रहे हैं। कब आए यहाँ? दिल्ली यहीं जी, आज ही उतरे हैं सुबह। कल शपथ क्रांति से हम पकड़े थे, उसी में हैं और आज सुबह उतरे हैं दिल्ली। तो ये दीवानगी क्यों है, मतलब नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसे ही रहते हैं या आज के लिए आपने कुछ विशेष? मुजफ्फरपुर जिले में भी बेचते हैं घूम पे, तो वहाँ भी इसी तरह से मोदी जी का टी शर्ट बनवाया हुआ है, घूम के बेचता है। मोदी जी का जहाँ भी सभा होता है हम इस तरह से ही जाते हैं वहाँ पे। अभी हम लोग इस वक्त विजय चौक पर मौजूद हैं और इससे बहुत कम दूरी पे राष्ट्रपति भवन है जहाँ पर शपथ ग्रहण होना है। तो यहाँ पर आज क्यों अभी यहाँ पहुँचे हैं, क्या आप शपथ में भी जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि आपको वहाँ जाने का न्योता आया है? नहीं सर, जाने का न्योता नहीं, लेकिन हम यहीं पर खुश हैं। यहाँ जो भी आदमी मिले मोदी हो रहा है, इसलिए ये रूप आपने केवल आज के लिए रखा है, ये जो आपने रंगवाया है सर, बाकी आप ऐसे हमेशा नहीं रहते? नहीं, जहाँ से कार्यक्रम होती तो उसमें बनवा के जाते हैं। जैसे मुजफ्फरपुर में मोदी जी जाए थे पताइम में, तो वहाँ भी इसी तरह से बनवा के गए थे, वहाँ भी चाय बेचे थे और ऐसे हम टी शर्ट बना के और घूम के बेचते हैं। और आप चाय ही बेचते हैं या केवल मोदी जी के लिए चाय आपने उठाया हुआ, या आप काम चाय ही बेचने का काम बेचते हैं सर? मुजफ्फरपुर में चाय बेचते जी सर, मुजफ्फरपुर में चाय बेचते। तो देखिए, अलग अलग तरीके की दीवानगी है लोगों की। और आपने अपना नाम नहीं बताया, मैं पहले अपना नाम पूछ रहा। जी अशोक सानी सर, अशोक सानी जी। और आप मुजफ्फरपुर से इसी के लिए आज यहाँ पर? जी इसी के लिए आए हैं। अशोक सहनी जी हैं मुजफ्फरपुर से, केवल इसीलिए यहाँ पहुँचे हैं और वो चाहते ज़रूर हैं कि जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें उनको जाने का मौका मिले, लेकिन जाहिर है उन्हें उसका न्योता नहीं, वो अंदर नहीं जा पाएंगे। लेकिन यहाँ अपनी जो एक तरह से नरेंद्र मोदी के प्रति जो उनका प्रेम है वो साफ दिख सकता है और उसको दिखाने के लिए वो सीधा बिहार के मुजफ्फरपुर से आज इसी के लिए दिल्ली पहुँचे हैं।